बेसन की एक अलग तरीके से रसेदार सब्जी बनाने के इंग्रेडिएंट्स। बेसन को हमने 2 कटोरी लिया है, इसको इस तरह से इस तरह गाढ़ा घोल लिया है। अगर आपके पास समय कम है, जल्दी बनाना है सब्जी को, तो बेसन को अच्छी तरह से घोल लीजिए। फिर एक आप तवे को गरम करिए, तवा गरम जब खूब अच्छी तरह से हो जाए तो गैस को बंद कर दीजिए और बेसन के कटोरे को उसके ऊपर ढककर रख दीजिए। आपका बेसन बहुत अच्छी तरह से फूल जाएगा। आज हमने इसी तरह करा है। बेसन फूला है कि नहीं फूला है ये जानने के लिए हम 1 कटोरी में पानी लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा बेसन डालेंगे। ये देखिए हमारा बेसन, जब तक आप इस तरह नहीं करेंगे तो आपका जो सब्जी है बहुत सॉफ्ट नहीं बनेगी। इस तरह से हमने बेसन को तैयार कर लिया है। अब इनमें डालने वाले सब, हम इसमें 1 प्याज, बड़ा प्याज हमने कद्दूकस करके रखा है, थोड़ा सा अदरक को ग्रेट करा है, थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 2 टमाटर हमने रफली चाप या कद्दूकस कर लीजिए आप, ऑयल लेंगे तेल बनाने के चिल्ले को बनाने के लिए, मस्टर्ड ऑयल में हम ग्रेवी बनाएंगे। बेसन की सब्जी हमेशा मस्टर्ड ऑयल में ही अच्छी बनती है। थोड़े से चटपटा करने के लिए हम थोड़ा 1/2 चम्मच चाट मसाले लेंगे, हींग लेंगे, हींग डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। 1/2 चम्मच हम हल्दी लेंगे, 1/2 चम्मच जीरा लेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर लेंगे, 1/2 चम्मच सब्जी मसाला लेंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला लेंगे, 1 चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, 1/2 चम्मच अजवाइन लेंगे और नमक अपने टेस्ट के अनुसार लेंगे। बेसन हमारा खूब अच्छी तरह से फूल गया है, फूलने की पहचान हमने आपको बता दी है। अब इसमें हम 1/2 चम्मच अजवाइन जो ली थी इसको क्रश करके ऐसे डालेंगे, इससे सब्जी चिल्ले का जो हम बना रहे हैं वो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 1/2 चम्मच हम इसमें चाट मसाला डालेंगे, थोड़ी सी हींग डालेंगे, थोड़ा सा नमक, नमक हमको ग्रेवी में डालना है इसलिए हल्का सा नमक डालेंगे, ग्रेट करी हुई जो अदरक है वो हम पहले इसमें डालेंगे, कलर अच्छा है इसलिए हम थोड़ी सी इसमें हल्दी डालेंगे। अब इन सब चीजों को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। गैस को जलाकर हमने एक पैन रखा है, पैन हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल चारों तरफ स्प्रेड करेंगे। बहुत ज्यादा ऑयल की जरूरत नहीं है, हम बहुत कम ऑयल वाली सब्जी आपको बता रहे हैं। बहुत कम ऑयल, अगर आपके घर में कोई सब्जी मेहमान आ जाए या कोई सब्जी नहीं है या आप एक अलग सब्जी खाना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से बेसन की सब्जी बनाइएगा। इस तरह से हम इस पर थोड़ा सा मोटा चिल्ला डालेंगे। हमको इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा सेकना है। अब इसको हम पलट देंगे। जब आप बेसन को अच्छी तरह से फेंट लेंगे तभी इतना फूला फूला चिल्ला आपका बनकर तैयार होगा। अगर आप बेसन को अच्छी तरह से नहीं फेंटेंगे तो आपका ये मजेदार, इस तरह से हम हल्का हल्का दोनों तरफ सेक लेंगे, बस इससे ज्यादा हमको इसको नहीं सेकना है। ये देखिए इसकी थिकनेस इतनी मोटी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इसको हमको नहीं पकाना है। अब इसके हम पीसेस करेंगे। आप पीसेस चौकोर करिए, ठंडे लंबे करिए, जिस आकार में चाहिए उस आकार में इसके पीसेस करिए। ये देखिए इसके पीस इतने मोटे होने चाहिए, हल्का जब ठंडा हो जाए तब आप काटिएगा। बनाने हैं, ये देखिए कितनी बढ़िया घरेलू सब्जी बनकर अभी तैयार होएगी। ये ग्रेवी बनाने के लिए हमने पैन को खूब अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब इसमें 3 से 4 चम्मच हम ऑयल डालेंगे। ऑयल को हल्का गर्म होने देंगे। ऑयल जब खूब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, ऑयल हमारा खूब अच्छी तरह से गर्म हो गया है, अब इसमें हम अपना जीरा डालेंगे। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, इसको भी कुछ सेकंड भूनेंगे। इसी समय पर हम अपना प्याज डालेंगे, अदरक लहसुन प्याज, और इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। अब हम थोड़ा सा मिर्चा डालेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, इसको भी हम भूनेंगे थोड़ा सा। 1 मिनट तक अदरक लहसुन प्याज मिर्चे को हम भूनेंगे।
देखिए दोनों चीज़ें अच्छी तरह से भुन गई हैं। अब हमने इसमें टमाटर महीन महीन काट के डाला है, आप प्यूरी भी डाल सकते हैं। टमाटर को भी हमने एक मिनट भून लिया था, अब इसमें हम हल्दी डालेंगे, सब्जी मसाला डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, धनिया का पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे। नमक हम उसमें भी डाल चुके हैं चिल्ला में, अब ग्रेवी के हिसाब से इसमें हम नमक डालेंगे, आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक डालिए। अब इन सब मसालों को मध्यम आंच पर हम पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं, हम कवर को हटाकर देखेंगे। हमने मसाले को पकाने के लिए 3 से 4 चम्मच पानी डाला था। 5 मिनट हमने मसाले को पकाया है, देखिए सब तरफ से अच्छी तरह से तेल छोड़ने लगा है। मसाले को खूब अच्छी तरह से भूनिएगा, तभी आपकी सब्जी बहुत ही बढ़िया बनेगी। मसाले भूनने पर ही सब्जी का टेस्ट निर्भर होता है। अगर आपका मसाला अच्छी तरह से नहीं भुना है तो आपकी सब्जी अच्छी नहीं बनेगी। हम जो जो बातें बताते हैं उसको ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए हमारा सब्जी मसाले का कलर भी कितना सुंदर आया है और अच्छी तरह से ये मसाला हमारा भुन गया है। अब इसमें हम ग्रेवी लगाएंगे। इसकी ग्रेवी ना बहुत गाढ़ी बनती है ना बहुत पतली बनती है। हम अब इसमें 1 कप पानी डालेंगे। और मध्यम आंच करके इसको हम पकने देंगे। ग्रेवी हमारी खूब अच्छी तरह से उबल गई है, इसको हमने 5 मिनट उबाला था। देखिए इसका कलर भी कितना सुंदर आ गया है। अब इस स्टेज पर हम अपने ये जो हमने बना के चिल्ले के छोटे छोटे पीसेस करे हैं, कम ऑयल की ये सब्जी हमने आपको बनानी बताई है। कितनी आसान है और कम तेल में बनेगी। अब इसको हम ढककर 5 मिनट मध्यम आंच पर और पकाएंगे। हमने थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है, आपके पास हरा धनिया है तो आप हरा धनिया डालिए। अब इसको हम क्रश करके डालेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। अब हम इसको आंच को मध्यम करेंगे, सब्जी पूरी तरह से तैयार है। आंच को मध्यम करके इसको हम 2 मिनट पकाएंगे। ये देखिए सब तरफ से तेल छोड़ने लगा है, पक कर खूब अच्छी तरह से हमारी सब्जी तैयार हो गई। अब हम गैस को बंद कर देंगे। इसको गर्म गर्म सर्व करने के लिए हम डिश आउट करेंगे। यदि हमारी रेसिपी आपको पसंद आई है तो कमेंट जरूर करिएगा और शेयर करिएगा। यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको प्लीज जरूर करिएगा। एक नई रेसिपी लेकर हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।